गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजना भारद्वाज फिटनेस ब्लॉगर। तो दोस्तों, मैं रोज़ की तरह आ गई हूँ अपनी छत के ऊपर एक्सरसाइज करने के लिए। बट आज मैं आपको 1 वीक चैलेंज वाली एक्सरसाइज बताऊंगी कि 1 हफ्ते के अंदर आप अपना टमी फैट, पेट की चर्बी कैसे कम कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको आज 6 एक्सरसाइज बताऊँगी कि जिनको करके आपको 1 हफ्ते के अंदर बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और मेरी गारंटी है कि अगर आप ये 6 एक्सरसाइज 1 हफ्ते तक रेगुलर करते हो, जैसे मैं बताती हूँ वैसे करते हो, तो आपको 1 वीक के अंदर रिजल्ट मिलेंगे और आपका पेट भी अंदर चला जाएगा, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो सबसे पहले बॉडी को थोड़ा वार्म अप कर लो, क्योंकि अब आपको करनी है 6 एक्सरसाइज। तो मैंने सोचा आज मैं अपने दोस्तों के लिए बताती हूँ कि पेट आप बहुत जल्दी कैसे कम कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने हाथ ऊपर करने हैं, ज़्यादा नीचे नहीं झुकना है आपको। इस पीछे हाथ ले जाने जितने आप ले सकते हो और आगे इस तरह से करने हैं। ये आपको कम से कम इसके 50 स्टेप करने हैं, थोड़ी सी रेस्ट लेनी है, फिर दोबारा से 50 करने हैं। ये मेरी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है एंड ये मैं खुद भी कर रही हूँ और आपको भी बता रही हूँ। और ये मेरा रोज़ का रूटीन है कि मैं रोज़ अपनी छत के ऊपर आ जाती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। और आज मैं स्पेशली बताऊँगी कि यार, पेट की चर्बी जो होती है ना, वो बहुत जल्दी कम नहीं होती। बहुत सारी गर्ल्स मुझसे पूछते हैं, यार हमारा बॉडी तो ठीक है यार, बट पेट निकला हुआ है, पेट निकला हुआ, वो कम नहीं होता, कम नहीं होता। तो बस आपको 1 हफ्ते तक ना, 1 हफ्ते तक ये एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, कोई भी दिन मिस नहीं करना। एंड जो मैं आपको खाने पीने का बताऊंगी, उस तरह से आप करोगे ना, तो आपको गारंटी 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट मिलेंगे। आपका पेट का फैट तो कम होगा होगा, वो चर्बी तो आपकी गल जाएगी, साथ में ना आपका पूरी बॉडी का फैट भी कम होने लगेगा। आप खुद देखोगे कि मिराकल वाली एक्सरसाइज है ये 6 एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि यार, हमारा जो टमी फैट होता है ना, वो बहुत टाइम खाता है कम होने में। तो मैं हमेशा ही अपने टमी फैट पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि मेरा भी पहले काफ़ी बढ़ गया था, बट मैंने यही एक्सरसाइज रेगुलर कर करके अपना पेट फ्लैट कर लिया है। बट मैं अपने दोस्तों को भी बताती रहती हूँ कि मैं इस तरह की एक्सरसाइज करती हूँ, ताकि आप भी इस तरह से करो और आपका पेट भी अंदर चला जाए। वैसे तो दोस्तों, मैं कोई फिटनेस ट्रेनर नहीं हूँ, बट मैं जो भी करती हूँ, जिन चीज़ों का मेरे ऊपर असर हुआ है, वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप उनको फॉलो कर सको और आपको भी बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिल सके। एंड दोस्तों, फर्स्ट वाली मेरी कंप्लीट हो गई, अब मैं सेकंड वाली करूँगी। सेकंड वाली आप देख लो किस तरह से करनी है। इस तरह से भी आपको कम से कम, यानी कि कोई भी एक्सरसाइज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि 50 स्टेप करो, फिर थोड़ी सी रेस्ट ले लो, फिर 50 स्टेप करो, उस तरह से भी आप कर सकते हो। नहीं तो एक एक्सरसाइज को कम से कम आप 3 या 5 मिनट जरूर दो, उसको 5 मिनट तक लगातार करो, तभी जो भी एक्सरसाइज है आपको अच्छे रिजल्ट देगी। तो दोस्तों, ये सेकेंड वाली एक्सरसाइज है। जितने आप अपने घुटने ऊपर उठा सकते हो, उतने उठाने की कोशिश करनी है। ज़्यादा ना भी उठा सको, कोई दिक्कत नहीं है, बट जितना भी आप उठा सकते हो अपने हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उतना उठाने की कोशिश करनी है। और इसको भी अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ, तो मैं इसके फर्स्ट टाइम किए मैंने 50 स्टेप, फिर थोड़ा से मैंने रेस्ट ले ली, फिर दोबारा से मैंने इसकी 50 स्टेप किए। तो मेरी जो भी एक्सरसाइज होती हैं, उनको मैं स्टेप बाय स्टेप करती हूँ। मतलब मैं ये टाइम नहीं रखती कि मुझे 5 मिनट करनी है, 10 मिनट करनी है, 15 मिनट करनी है, मैं स्टेप बाय स्टेप करती हूँ। इससे ये होता है ना कि आपकी बॉडी भी ज़्यादा नहीं थकती और आप अपनी एक्सरसाइज भी रेगुलर कर सकते हो। आपको थकान होगी, पर बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, मैंने वो 50 स्टेप किए, फिर दोबारा से मैं इसकी 50 स्टेप करूँगी। और अगर आप इस तरह से डिवाइड करते हो ना कि 50 अब कर लिए, 50 थोड़ा बाद में कर लिए, इससे भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यानी कि आप 5 मिनट तो पूरा रेगुलर तो नहीं होगी, बट 3 मिनट तक आपकी एक्सरसाइज जो है ना, रेगुलर हो जाएगी, और स्टेप बाय स्टेप भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो सेकंड वाली भी मैंने 100 स्टेप किए, फर्स्ट वाली के भी मैंने 100 स्टेप किए, और ये थर्ड वाली है, इसमें भी आपको नीचे झुकना है, ज़्यादा ना झुक सको, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपके हाथ नीचे जा रहे हैं उतना ले जाने की कोशिश करनी है, और आपको ये लगातार करने हैं। इसके भी आप 50 स्टेप करो, 60 करो। देखो, अगर आप इसके 60-70 कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है, आपको और जल्दी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप नहीं कर सकते तो 50 करो, थोड़ी सी 30 सेकेंड की रेस्ट
तो फिर दोबारा से 50 ये शुरू कर दो। इस तरह से जो आप मतलब अच्छे से कर पाओगे, ज़्यादा आपकी बॉडी को थकान भी नहीं होगी। और ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ ना, इसको मैं खुद करती हूँ, खुद पे रिजल्ट देखें तब वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। ये तो वैसा मानना है कि जो भी एक्सरसाइज करो उसको 5 मिनट तक करना चाहिए, इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बट वही है ना कि मतलब कहीं नहीं कर पाते 5 मिनट तक रेगुलर, तो आप उनको स्टेप बाय स्टेप 50 अभी कर लिए, 50 बाद में कर लिए, इस तरह से कर सकते हो आप, ठीक है। एंड ये नेक्स्ट वाले की भी यही है, इसमें आपको झुकना है पर पूरा आपको अपने पैर को छूने की कोशिश करनी है जितना आप छू सकते हो। तो इसके भी मैं 100 स्टेप करती थी पहले, अब मैं इसके सिर्फ 50 करती हूँ क्योंकि मेरा पेट भी अंदर चला गया और मेरा वेट भी काफ़ी कम हो गया है। बट फिर भी मैं अपनी एक्सरसाइज जो है ना रेगुलर रखती हूँ ताकि मेरा वेट अब ना बढ़े कभी भी ज़िंदगी में और मैं हेल्दी और फिट रहूँ। तो इसके भी मैं करूँगी 50 स्टेप। और आप अगर स्टार्टिंग में कर रहे हो, आपका बहुत ज़्यादा टमी फैट है आगे, बहुत ही ज़्यादा लटका हुआ है, तो आप कोशिश करो इसके 100 स्टेप करो। देखो 100 स्टेप ना कर सको तो 80 कर लो, 40 कर लिए 30 सेकंड की रेस्ट, फिर 40 कर लिए। ये सारी एक्सरसाइज आप करोगे ना डेली तो आप देखोगे एक हफ्ते के अंदर आपका पेट बिल्कुल फ्लैट होने लगेगा, कम होने लगेगा और बहुत ही अच्छे आपको इसके बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। एंड दोस्तों नेक्स्ट वाली ये वाली है, इसके भी आपको पता है कि जो हमारे टायर्स होते हैं, लव हैंडल्स होते हैं, टमी फैट होता है और ये पीठ का फैट भी, यानी कि पूरी बॉडी के फैट के लिए बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। तो इसके भी मैं, मेरी जो एक्सरसाइज होती है ना वो 50 to 100 होती है, 100 स्टेप करती हूँ मैं। अगर मेरी, क्योंकि मैंने ज़्यादा एक्सरसाइज करनी हो तो मैं इसको 100 100 100 करके डिवाइड कर देती हूँ कि 100 इसके कर लिए, थोड़ा सा रेस्ट ली, फिर 100 इसके कर लिए। तो इस तरह से मैं करती हूँ, 100 भी कैसे करती हूँ कि 50 एक एक्सरसाइज के मैं 100 स्टेप करती हूँ, उसको भी मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ कि 50 अभी कर लिए एंड 50 बाद में कर लिए। इस तरह से आप कर भी पाओगे इजीली और आपका वेट भी ना बहुत जल्दी कम हो जाएगा। एंड ये जो ये नेक्स्ट वाली ये मेरी रेगुलर एक्सरसाइज है जो मैं आपको बता रही हूँ, इससे भी आपका पेट ना बहुत जल्दी अंदर चला जाएगा। बस आपको ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो चीज़ें हैं एक्सरसाइज है आपको रेगुलर रखनी है। ये नहीं आज आपने आज की आप बोलोगे नहीं यार बॉडी दुख रही है, थकान होगी, अब कल नहीं करेंगे। करो आप 2-3 दिन तक आपको बॉडी में दर्द होगा, एक हफ्ता मान लो मतलब दर्द होगा, बट बाद में जब आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी ना आप ये एक्सरसाइज रेगुलर कर सकोगे और आप खुद इनके बिना नहीं रह पाओगे और खुद आप देखोगे कि आप फिट हो रहे हो, हेल्दी हो रहे हो। तो दोस्तों ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है लाइफ में, खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कम से कम खुद के लिए 1 घंटा ना निकाल सको ना तो आधा घंटा तो ज़रूर निकालो यार, आधा घंटा अपनी एक्सरसाइज को ज़रूर दो। और क्योंकि मोटापा जब बढ़ने लगता है ना तो काफ़ी बढ़ जाता है और उसकी वजह से हमें काफ़ी सारी बीमारियाँ भी लग जाती हैं, तो एक्सरसाइज को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं मेनली आपको सिर्फ पेट की एक्सरसाइज के बारे में बताया कि आप अपना पेट कैसे कम कर सकते हो बहुत जल्दी, बहुत स्पीड से, किस तरह से आप अपना पूरा पेट जो है ना फ्लैट कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों। एंड आए दिन मैं आपके लिए अपनी एक्सरसाइज की वीडियो शेयर करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ आपको बताती रहती हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन सी एक्सरसाइज करें अपनी बॉडी का फैट कम करने के लिए, पेट का फैट कम करने के लिए, वो मैं आपको रोज ही बताती रहती हूँ। एंड मेरी जंपिंग जैक्स है लास्ट वाली, इससे भी आपका पेट जो है ना बहुत जल्दी अंदर हो जाएगा। पेट क्या, ये तो एक ऐसी इकलौती एक्सरसाइज है जो पूरी बॉडी का फैट आपका कम कर देगी। तो दोस्तों ये थी आज मेरी टमी फैट एक्सरसाइज, बेली फैट एक्सरसाइज, जिसको करके आप अपना पेट जो है अंदर कर सकते हो। एंड ये मैंने आपको 6 एक्सरसाइज बताई, इनको अगर आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यानी कि आप एक हफ्ते के अंदर खुद देखोगे कि आपका पेट कम हो रहा है, अंदर जा रहा है। एंड ज़रूर इसको करो दोस्तों और खुद रिजल्ट देखो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। Bye-bye.